शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल का खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पहले ही दिन उन्होंने जेल की चाय पी थी। उस दिन से उन्होंने जेल में खाने की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। आर्यन जेल से मिलने वाले खाने को दूसरे कैदी को दे देते हैं और गुमसुम खोए रहते हैं। ऐसी तमाम अहम बातें 16 अक्टूबर को जेल से रिहा हुए कैदी श्रवण नडार ने बताई। नडार धोखाधड़ी के केस में 6 महीने से आर्थर रोड जेल में थे। सोमवार को ही जेल से छूटे थे। श्रवण उसी बारक में थे जहां आर्यन को रखा गया था। आर्यन की बारक में खाना देने की ड्यूटी श्रवण की ही थी। मुंबई क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही हैं और 20 अक्टूबर को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। श्रवण ने बताया कि आर्यन और उसके साथियों को हफ्ते भर क्वारंटीन में रखने के बाद एक नंबर बारक में लाया गया। यहाँ एक बारक में 4 सेल और एक सेल में 100 कैदी हैं, यानी 4 सेल में 400 कैदी। सब एक दूसरे से सटकर सोते हैं, हिलने डुलने की में भी दिक्कत होती है, चिपक कर सोना पड़ता है। एक सेल में 4 टॉयलेट हैं, इसमें एक वेस्टर्न और 3 इंडियन हैं। आर्यन के सेल में भी 100 कैदी हैं और 10 पंखे लगे हैं। श्रवण ने बताया कि आर्यन ने पहले दिन ही जेल की चाय पी थी, वह मैंने उसे दी थी, इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। वह कैंटीन से बिस्किट चिप्स बुलाता है, बिस्किट को पानी में दबाकर खाता है, मैंने कई बार देखा है, बोतल बंद पानी पीता है। श्रवण ने आगे बताया कि जेल के नियम के मुताबिक हक्का भत्ता यानी कि अपने हिस्से का खाना लेना होता है। आर्यन अपना खाना लेता ज़रूर है लेकिन उसे दूसरे कैदी को दे देता है, वो कुछ नहीं खाता। कई बार मैंने और जेल के अधिकारियों ने उससे पूछा लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि मन नहीं है, भूख नहीं है। वो अकेला गुमसुम बैठा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता। श्रवण ने बताया कि आर्यन घर से आई टी शर्ट और जीन्स पहन रहा है, उसे कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। मैं परसों जब आ रहा था तब उसने मनी ऑर्डर से आए 4500 रुपये से चिप्स और पानी की 5 दर्जन बोतल ली थी। मैंने आर्यन से बात की, उसने बस इतना कहा कि आपको बधाई, आप जा रहे हो बाहर। मैंने उससे कहा कि आप भी जल्दी आ जाओगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जेल से रिहा हुआ श्रवण ने बताया कि जेल में आने के बाद आर्यन काफ़ी घबराया हुआ है, टेंशन में था। उसके बाल काटे गए, फिर शेविंग बनाई गई। वह जेल में ना TV देखता है, ना किसी से बात करता है। श्रवण ने बताया कि सुबह 6 बजे सीटी बजती है, कैदियों की गिनती होती है। आर्यन भी गिनती के बाद हाथ मुंह धोकर नाश्ता लेने आता है। नाश्ते में शीरा पोहा चाय होती है। आर्यन इसे दूसरे कैदी को दे देता है। 10 बजे खाना मिलता है, खाने में 2 रोटी दाल सब्जी होती है। आर्यन उसे भी दूसरे को दे देता है। उसके बाद वो आराम करने चला जाता है। दोपहर 3 बजे चाय मिलती है, फिर शाम को 5:30 बजे खाना, 6 बजे फिर सभी कैदियों की काउंटिंग होती है, फिर सब अपने अपने बारक में लौट जाते हैं। आर्यन शांत बैठा रहता है या फिर लेट जाता है। जी हाँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।